बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल माया ने पहले आकाश को लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान घर बैठा लिया था, जिसके बाद बीएसपी के अंदर विरोध शुरू हो गया था और अब करीब डेढ़ महीने बाद बीएसपी सुप्रीमो ने अपना फैसला पलटते हुए भतीजे आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। इस बार आकाश आनंद की ताकत भी दोगुनी कर दी गई है। पहले वह नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन तब उनके पास उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं थी। इस बार उन्हें यूपी का कार्यभार भी मिला है। उपचुनाव से ठीक पहले आकाश आनंद की वापसी ने कई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। कहा जा रहा है कि बीएसपी आकाश आनंद को इसलिए आगे करना चाह रही है क्योंकि वो एक युवा चेहरा है और बसपा का अब इस युवा चेहरे के जरिए ही आगे का सियासी प्लान तय होगा। वे मायावती के लिए तुरुप का इक्का है, साथ ही दलित पॉलिटिक्स में भी बसपा को मजबूती उनके आने से मिलेगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद लगातार मायावती के वोट बैंक को अपनी पार्टी की ओर खिसकाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में मायावती को एक युवा चेहरे की तलाश थी जो कि उनकी पार्टी के लिए बेहतर काम कर सके। आकाश आनंद उसके लिए बेस्ट विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से आकाश आनंद की एंट्री बीएसपी में कर दी गई है। मायावती उस पड़ाव पर हैं जहां वे दलित सियासत को आगे की दिशा दिखाएंगी। दरअसल बीएसपी के पास विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है, जबकि लोकसभा में बीएसपी का खाता तक भी नहीं खुला। ऐसे में अपने कैडर और पार्टी को मजबूत करने के लिए, साथ ही उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आकाश आनंद जैसे व्यक्ति की जरूरत थी। अब आकाश आनंद 2027 में कितना कमाल दिखा पाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। हालांकि पार्टी उनको लेकर काफी पॉजिटिव महसूस कर रही है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि मायावती का ये फैसला कितना कारगर साबित होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।